students, welcome back to Tapovan group of school. My name is Bhargavi Patel and today I am going to teach you standard 4 mathematics. So ye hamara chapter number 10 hai, play with patterns. Aapne standard 4 mein bhi padha hoga isko, play with patterns jo aata tha wo basic tha. Abhi hum iske bare mein kuch aur details mein janenge. To patterns kya hoti hai? Patterns yani ki wo ek tarah ki designs hi hoti hai, aur jab design ko hum sab saath mein rakhte hai yani ki same wahi repeat karte hai to usko पैटर्न बोलते हैं. टीनू यूज टू दिस ब्लॉक टू मेक अ सारी. तो टीनू जो है उसने इस ब्लॉक का यूज़ करके सारी पे पैटर्न बनाई है. ये ऐसे ब्लॉक्स आते हैं, सारे अलग अलग डिज़ाइन के होते हैं, उसको हमें क्या होता है, कलर होता है ना, उसमें डुबो के फिर ऐसे साड़ी पे प्रिंट करना होता है. ये सब ऐसे पैटर्न बनती है. इसने क्या किया है, सेम यही ब्लॉक को यूज़ करके ऐसे उसने ये साड़ी बनाई है और अच्छी सी डिज़ाइन बनाई है. ओके, तो हम आगे देखते हैं. नेक्स्ट, ही मेड दिस बेडशीट विद द सेम ब्लॉक्स. तो उसने ये बेडशीट सेम ब्लॉक से बनाई. मैं इधर आपको दिखा देती हूँ, ठीक है. ओके, तो ये जो है डिज़ाइन, ये जो ब्लॉक है, सेम उसने यही ब्लॉक यूज़ किया है. पर उसने क्या किया है, पहले इस ब्लॉक को ऐसे सीधा करके ऐसे रख दिया, ये आप देख रहे हैं ऐसे. फिर उसने ऐसे क्लॉकवाइज घूम गया था वो, यानी कि फिर ऐसे लेफ्ट की साइड रखा, राइट की साइड पर रख कर ये ऐसा बना. फिर ये उसको ऐसा सीधा रख दिया, जैसा से जैसा ये है वैसा उसने ऐसे रख दिया, और फिर ऐसे ये राइट साइड पे रख दिया. तो उसको ऐसे ये एक ब्लॉक को चार बार यूज़ करके एक अलग डिज़ाइन उसने तैयार किया. आप देख सकते हैं उसने कैसे बेडशीट बनाई है, ठीक है. ओके ओके, तो अभी हम चलते हैं अगले पेज में. उसने अलग और डिज़ाइन बनाई, उसने दुपट्टा बनाया है जिसमें उसने सेम वही ब्लॉक यूज़ किया है. वो ब्लॉक कौन सा था, ये नीचे की तरफ वाला था जो डाउनवर्ड डिरेक्शन में है, वो ये ब्लॉक था. पर उसने इसे डिज़ाइन कैसे बनाई है, वन अप, वो एक बार उसको ऊपर की डिरेक्शन में जाता है वो रखा है, यानी कि सीधा, फिर ऐसे उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, ऐसे इसने सेम ऐसे रिपीट किया है और ऐसे उसने पैटर्न बनाई. तो पैटर्न उसको बोलते हैं, कोई भी ब्लॉक होता है. विच वन इज़ ब्लॉक वी कैन यूज़ एंड आफ्टर दैट वी कैन रिपीट. एक बार ऐसे रखते हैं, फिर उसको ऐसे रखते हैं, और फिर सेम यही पैटर्न हमें रिपीट करनी होती है, उसको पैटर्न बोलते हैं. अभी क्या बोला इधर, कैन यू सी हाउ टीनू हैज़ मेड डिफरेंट पैटर्न्स यूजिंग द सेम ब्लॉक. तो आपने देखा टीनू ने कैसे डिफरेंट पैटर्न्स बनाई सेम ब्लॉक यूज़ करके. नाउ यू टू मेक 3 डिफरेंट पैटर्न्स यूजिंग ब्लॉक. ओके, तो हमें से यही ब्लॉक यूज़ करके सेम 3 डिफरेंट पैटर्न्स बनानी है आपको. ये अपनी वर्कशीट में करना है, ये आपका होमवर्क है. मैं एक बार फिर भी आपको बता देती हूँ, ठीक है. ओके, तो हम अगर पहले पैटर्न बनाएंगे तो कैसे बनेगी, यही ब्लॉक यूज़ करना है. मैं ऐसे प्रॉपर ब्लॉक ऐसे ऐसे दौड़ देती हूँ, आपको समझ जाना है, ठीक है. ओके, आपको अच्छे से अपनी बुक में बनाना है. ओके ओके, तो अगर हम ऐसे पहले ये यूज़ करेंगे, फिर इसको अपवर्ड डिरेक्शन में भी रखेंगे, ऐसे सेम आपको फिर ये रिपीट करना है. ये ऐसे डाउनवर्ड में आएगा, फिर ऐसे अपवर्ड में, डाउनवर्ड अपवर्ड, डाउनवर्ड अपवर्ड, ऐसे आपको अपनी नोटबुक में बनाना है. ओके, अभी दूसरी पैटर्न है, तो हम कैसे बनाएंगे. ओके, तो हम और ये कहता है जो पैटर्न हम बनाते हैं उसका कुछ रूल भी होता है, यानी कि कितनी बार, एक बार ब्लॉक रखना है, फिर रिपीट करना है या नहीं करना है, वो ग्रो करता है नहीं करता है, ऐसे रूल्स भी होते हैं. ओके, तो अभी दूसरी हम बनाएंगे. तो अगर हम इस पैटर्न को ऐसे रखेंगे पहले, ओके, फिर दूसरी बार भी हम ऐसे ही रखेंगे, और फिर एक बार हम फिर डाउनवर्ड रखेंगे. ओके, फिर से हम ये ऐसे रखेंगे, फिर ये फिर ऐसे आएगी, और फिर से आएगी डाउनवर्ड. तो ये इसका रूल्स क्या होगा, दो बार अपवर्ड में डिरेक्शन में रखना है और एक बार डाउनवर्ड डिरेक्शन में, दो बार अपवर्ड डिरेक्शन में एंड एक बार डाउनवर्ड डिरेक्शन में, एंड देन हमें वो रिपीट करते जाना है, ठीक है. ओके, और ये जो थर्ड वाली पैटर्न है आपको खुद अपनी मर्जी से बनानी है, आपको सेम ब्लॉक यूज़ करना है, आपको जैसे चाहे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है. तो आपका होमवर्क है ये, आपको ये तीनों के तीनों जो पैटर्न से अपनी नोटबुक्स में बनाने हैं, ठीक है. ओके, हम चलते हैं अगले पेज की तरफ. यामिना हैज़ यूज टू हर ब्लॉक्स टू मेक अ फ्यू पैटर्न्स. तो यामिना जो है इसे कुछ ब्लॉक्स को यूज़ करके कुछ पैटर्न्स बनाई हैं. सो हेल्प हर टू टेक दिस पैटर्न्स फॉरवर्ड. तो हमें उसको ये पैटर्न को आगे बढ़ाने में हेल्प करनी है, यानी कि हमें इसको फिनिश करना है. ओके, तो इसने ये लिप्स लिया है, तो एक बार लिया है, फिर उसने ये दूसरा लिया, फिर ये तीसरा, और ये चौथा. उसने चार लिप यूज़ किए हैं, वन, फिर टू, और कैसे क्लॉकवाइज चलती है, यहाँ से यहाँ, यहाँ, और फिर ये यहाँ है. तो अभी यहाँ क्या होगा, एक लिया है तो फिर ऐसे दूसरा आएगा, फिर ऐसे तीन लिप आएगी, और फिर ऐसे चार लिप
आएगी. ओके, तो आपको ऐसे प्रॉपर तरीके से अपनी नोटबुक में दौड़ना है. ठीक है, ओके. अभी ये दूसरी पैटर्न उसने बनाई है. ये एरो है, दो एरो है जो अपर डिरेक्शन में है, फिर वो दो डाउनवर्ड में है, फिर इधर ग्रो भी हो रहे हैं. देखा आपने, इधर दो है और इधर तीन हो गए. तो ये अपवर्ड में है, फिर डाउनवर्ड में. ये सेम रहता है अपवर्ड डाउनवर्ड, पर जो होता है वो ये जो एरो के नंबर से वो इंक्रीज हो रहे हैं. तो अभी इतने दो से तीन हुए, तो अभी कितने होंगे, चार होंगे. ऐसे चार सेम ऐसे अपवर्ड डिरेक्शन में ही आएंगे, और फिर आएंगे चार और वो आएंगे डाउनवर्ड में. आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से दौड़ना है. और फिर इधर के आएंगे पाँच आएंगे, जो कि क्या हो गए, अपवर्ड डिरेक्शन में होंगे. ठीक है, ओके. आपको इसको कंप्लीट करना है अपनी वर्कशीट में. अभी इधर क्या दिया है, सर्कल दिया हुआ है जिसमें ये ट्रायंगल है वो क्लॉकवाइज घूमता है. यानी कि इधर है राइट साइड में, अप साइड पे है, फिर ये राइट साइड में है जो नीचे की तरफ है, फिर इधर से ये इधर आता है. और अभी किधर जाएगा, ये इधर से ये इस तरफ आएगा. यानी कि ये इसमें हम आपको इसमें ऐसे कलर्स पूर्ण है. ठीक है, अभी फिर से क्या आएगा, फिर ये सेम फोर इमेज जो है वो फिर से रिपीट होगी. ठीक है, ओके. वी कैन ऑल्सो मेक पैटर्न्स विथ नंबर्स एंड लेटर्स बिलो आर फॉर एग्जाम्पल्स, कैन यू टेक देम फॉरवर्ड. तो हम ये जो पैटर्न्स है वो नंबर्स और अल्फाबेट से भी बना सकते हैं. इधर हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए जिन्हें हमें फॉरवर्ड करना है. ए बी सी है, डी ई एफ है, जी एच आई, ये सारे अल्फाबेट से. तो हम देख रहे हैं इधर ये तीन अल्फाबेट से, तीन तीन अल्फाबेट्स का ग्रुप है. तो हमें भी सेम तीन तीन अल्फाबेट का ही ग्रुप बनाना है. ओके, तो ए बी सी है, सी के बाद क्या आता है, डी. तो डी ई एफ, एफ के बाद आता है जी. तो जी एच आई, आई के बाद क्या आता है, जे. तो जे के एल, एल के बाद क्या आता है, एम. सो एम एन ओ, ओ के बाद क्या आता है, पी. पी क्यू एन आर. ओके, तो ऐसे आपको आगे आगे बनाते जाना है. अभी इधर क्या दिया है, नंबर भी दिया है और अल्फ़ाबेट्स भी दिया है. देख रहे हैं आप, इधर एक एक नंबर डिक्रीज हो रहा है. 28 से 27, फिर 27 से 26, तो ऐसे डिक्रीज़ हो रहा है. तो हम इधर भी डिक्रीज ही करेंगे. यानी 26 है तो 25, 24 और 23 तक आएगा. फिर क्या, ये Z है, Y है, H, यानी अल्फ़ाबेट्स जो है वो उल्टी साइड से शुरू हो रहे हैं. यानी कि लास्ट से लेके हमें आगे आगे आना है. तो ये क्या है, Z है, Y है, X है, फिर क्या आएगा, W. फिर आएगा V और फिर आएगा U. ओके, फिर क्या है, 864, 764 और 664. तो पहले आपको इसके बीच कितना डिफरेंस है वो देख लेना है. ओके, ये 864 है, ये 764 है, ये 664 है. तो इसमें से 100 जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं. 864 है, फिर 764 है, फिर 664 है. अभी इसमें से हम 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितने होंगे, 564, फिर होंगे 464 और आएंगे 364. तो ऐसे आपको आगे करते जाना है. इधर क्या है, 9 109 209. तो इसका डिफरेंस क्या है, इसमें 100 ऐड हो रहे हैं. तो 209 के बाद क्या आएगा, 309, 409 और 509. ठीक है, तो आपको ऐसे ऐसे आगे आगे लिखते जाना है, अपनी नोटबुक में लिखना है. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार. ओके, अभी इधर क्या है, नाउ राइट योर ओन नंबर्स पैटर्न. तो हमें अपने अलग नंबर से एक पैटर्न बनाने हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं इधर लिख देती हूँ 5, फिर 10, 15, 20, 25 और 30. तो आपने देखा इसके बीच का रेशियो क्या है, 5-5 का हमने डिफरेंस लगाया. यानी कि आगे बढ़ते हुए 5-5 ऐड करने. और अभी इधर लिख देती हूँ 10, 20, 30, 40, 50 और 60. तो इसमें क्या है, 10 का डिफरेंस है. यानी कि हमें 10 ऐड करते जाना है. ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके, अभी हम चलते हैं अगले पेज की तरफ. तो इधर क्या बोला है, मेक अ पैटर्न विदाउट नंबर्स. तो आपको पैटर्न बनानी है नंबर्स के बिना. यानी कि आप कोई भी पिक्चर से बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इधर मैं पहले सन दौड़ देती हूँ. ठीक है, ये मैंने सन बनाया है. फिर क्या होगा, मून लेते हैं, फिर ऐसे फिर से सन की पेंटिंग बनाएंगे, फिर मून है, फिर से ऐसे सन का पिक्चर बनाएंगे, और फिर ऐसे आप मून का बनाएंगे. ये आपको अच्छे से अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है इसको, और आप तो कलर भी कर सकते हैं. नो नंबर कम्स ट्वाइस. तो अभी एक और एग्जाम्पल दिया है जिसमें नंबर्स जो है वो दूसरी बार यूज़ नहीं होंगे. यानी कि इस लाइन में भी एक बार है, अगर इस लाइन में नंबर एक बार आ गया है तो वो इस लाइन में भी एक ही बार आना चाहिए, इसमें भी एक बार और इसमें भी एक बार. ओके, सो लुक एट द नंबर बॉक्स, कैन यू सी अ पैटर्न. तो आपको नंबर बॉक्स देख के पैटर्न, हमने मैंने बताया ना आपको कि इस लाइन में भी नंबर जो एक बार आता है वो भी ऐसे सेम यही लाइन में भी एक बार आना चाहिए. यानी कि 1 जो है वो इसमें एक बार आ रहा है तो इसमें भी एक ही बार आ रहा है. देख रहे हैं आप, ऐसे सेम सब में ऐसे
ऐसे सब में लागू होता है. ओके, सो नो नंबर कम्स ट्वाइस इन एनी लाइन. तो कोई भी लाइन में नंबर दूसरी बार यूज नहीं होगा. कैसे लिखा है, 1 2 3 एंड देन ए 3, फिर से नीचे लिखा है और 1 2 3 से फिर से स्टार्ट होता है. 3 के बाद फिर से 1 2, फिर ये 2 इधर नीचे रख के 3 और 1. ओके ओके, तो अभी क्या है, नाउ यू ट्राई राइटिंग द लेटर्स ए बी सी इन द बॉक्स सो दैट द लेटर्स कम ट्वाइस इन एनी लाइन. तो हमें सेम ऐसे 1 2 3 लिखा था, ऐसे हमें ए बी सी लिखना है. तो मैं लिखती हूँ इधर ए बी सी, फिर से ये सी कहाँ आएगा, नीचे, और फिर से स्टार्ट होगा तो ए बी सी, और फिर सी के बाद क्या आएगा, ओके सी इधर नहीं आएगा, ए बी और बी फिर से नीचे आएगा और इधर क्या आएगा, सी और ए. तो आपने देख, ओके तो आप इसमें पैटर्न में आपको दिखा देती हूँ. ये जो है इसे आप देख रहे हैं, ए एक बार है और इस लाइन में बी ए एक बार है. आप ऐसे चेक कर सकते हैं, सब लाइन में एक बार आना चाहिए. ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार. ओके, तो मैंने इधर जो भी ड्राइंग पिक्चर बनाए थे और जो भी आंसर लिखे थे वो आपको अपने नोटबुक में लिखने हैं और इसको अच्छे से लर्न कर लेने हैं. ओके, तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में. थैंक यू.